गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th NIOS का चैप्टर नंबर 20। ये बुक सेकंड है हमारे पास और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन कह रहा है दो सर्कल है हमारे पास, एक का रेडियस है 9 सेंटीमीटर और दूसरा सर्कल जो है उसका रेडियस है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। आगे कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हूज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू सर्कल्स। कहता है इन दोनों सर्कल का एरिया मिलाकर हमने एक बड़ा सर्कल बनाया। आपको इस सर्कल का रेडियस बताना है, ठीक है। एक छोटा सर्कल था 9 सेंटीमीटर रेडियस का, एक उससे बड़ा था 12 सेंटीमीटर रेडियस का। इन दोनों का जो एरिया था उनको हमने कंबाइंड किया और उतने एरिया का एक नया सर्कल बना दिया। आपको उस सर्कल का रेडियस बताना है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा वैसा हम करते हैं। सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं और इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसको सेकेंड कह देते हैं और इसको थर्ड। Area of first circle plus area of second circle is equals to area of third circle. तो area क्या होता है circle का? Formula है area का pi r square, pi और r की जगह पे हमारे पास 9 into 9 प्लस पाई, आर की जगह पर है 12 into 12 इज इक्वल्स टू पाई। आर हमें फाइंड करना है पाई स्क्वायर। 9 9 81 पाई प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144 पाई इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 4 plus 1 5, 8 plus 4 12, 1 plus 1 2 225 पाई इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225, आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। 225 का आपको निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट और ये आ जाता है 15। तो जो बड़ा सर्कल है, नया वाला जो सर्कल बना, उसका रेडियस है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। Okay, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो शुरू करते हैं बच्चों और पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन सेकंड। द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर ईच। गाड़ी का हर एक पहिया 40 सेंटीमीटर रेडियस का है। एक कार है जिसका हर एक पहिया जो है 40 सेंटीमीटर रेडियस का है। If the car is traveling at a speed of 66 km per hour, अगर ये गाड़ी 66 km per hour की स्पीड से जा रही है, find the number of revolutions made by each wheel in 20 minutes. आपको बताने हैं कि 20 मिनट में वो जो पहिया है वो कितने गोल चक्कर लगा चुका होगा, कितनी बार गोल गोल घूम चुका होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका वैल्यूज देखते हैं बच्चों। यूनिट सेम नहीं है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर किलोमीटर पर आर है, यहाँ पर 20 मिनट्स है। यूनिट सेम करेंगे लेकिन पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इसको, ये तो उसका डायमेंशन हो गया पहिए का, उसको छोड़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है 66 की स्पीड है, 20 मिनट्स में कितने चक्कर लगेंगे। पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि 66 की स्पीड से 20 मिनट में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा कार।
चक्कर कितने लगाने हैं पहिए ने, ये तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले कि 20 मिनट में गाड़ी ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो हम उसको यहाँ से पहले सॉल्व कर लेते हैं, यूनिट सेम कर लेते हैं। देखिए 20 मिनट्स को अगर मैं आर में बदलना चाहूँ तो ये जाएगा 20/60 इज इक्वल टू 1/3 आवर्स। 66 किलोमीटर पर आर का मीन है 1 घंटे में 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर इन 1 आवर। सो हाउ मेनी किलोमीटर्स इन 1/3 आवर्स? कितना ट्रैवल करेगा? 1 घंटे में 66 चलता है तो 1/3 आवर्स इज इक्वल्स टू 66 × 1/3 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा 22 किलोमीटर। एक वो 20 मिनट बोलेंगे या 1/3 आवर बोलेंगे तो 22 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। ये गाड़ी, ये जो कार है, ये 20 मिनट में 22 किलोमीटर चलती है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा था आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बताने हैं। इसका मतलब जब 20 मिनट तक गाड़ी चली तो गाड़ी के पहिए कई बार घूम चुके होंगे और उनको टोटल कितनी बार घूमना है, इतनी बार कि वो 22 किलोमीटर को कवर कर लें। अब देखिए जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे। ये मान लीजिए ये सड़क है और ये पहिया है। आप देखेंगे, इस पॉइंट पे फोकस कीजिए। अब जब ये एक चक्कर पूरा कर लेगा, एक चक्कर पूरा कर लेगा, तो आप देखेंगे इस पहिए का केवल एक चक्कर पूरा हुआ है, लेकिन जमीन पर जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर का ट्रेवल हो चुका है। एक चक्कर हमें, अगर इस पर फोकस, अगर हमने इस पर फोकस किया होगा पहिए पे, तो आपको केवल एक गोल चक्कर दिखा होगा कि इसने केवल एक गोला चक्कर पूरा कर लिया, लेकिन जमीन पर उतनी देर में एक डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। तो कार का जो पहिया है वो केवल गोल नहीं घूम रहा है अपनी जगह पर। आप पहिए को देखेंगे, केवल पहिए पर फोकस करेंगे तो आपको लगेगा कि पहिया ही घूम रहा है, लेकिन जब पहिया सड़क पर होगा और आप सड़क पर फोकस करेंगे तो आपको सड़क भागती हुई दिखाई देगी। इट मींस सड़क में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, या आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि गाड़ी यहां पर थी और यहां पर पहुंच गई। तो इट मींस पहिया, पहिए पे फोकस करेंगे तो वो गोल गोल ही घूम रहा है, लेकिन आप सड़क पर देखेंगे गाड़ी को तो एक जगह से दूसरी जगह आ गई। तो गाड़ी नहीं आई, आया तो उसको तो पहिया ही कवर कर रहा है। ऊपर की बॉडी जो गाड़ी की है वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, वो उतना ही करेगी डिस्टेंस जितना उसके पहिए उसे डिस्टेंस करवाएंगे ट्रेवल। यानी जितनी बार इन्होंने चक्कर मारा होगा, गाड़ी तो इस इनसे कनेक्टेड है जमीन से, यानी डिस्टेंस जो है वो पहियों ने कंप्लीट करना है, पहियों ने कवर करना है। इट मींस ये जो गोल पहिया है ये यहां से यहां आ रहा है, यहां से यहां, लेकिन गाड़ी पर देखने पर वो अपनी जगह पर ही आपको गोल गोल घूमता नजर आएगा, लेकिन जमीन पर देखने पर आपको उसका डिस्टेंस यहां से यहां तक मिल जाएगा। यानी वो गोल तो घूम ही रहा था, साथ में जमीन पर इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। ये कुछ ऐसा ही है जैसे मान लीजिए यहां पर आपका घर है और यहां पर आपका वो डेस्टिनेशन है जहां तक आपको जाना है, यानी स्कूल। तो आपने देखा होगा कि आप अपने घर से निकलते हैं तो छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, एक स्टेप लिया, दो स्टेप लिए, छोटे छोटे, तीन, ऐसे करते करते आपने बहुत सारे स्टेप लिए और आपने वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया जो आपके स्कूल से घर तक का था। तो इसको भी आप डिस्टेंस समझिए। देखिए ये जो पहिया गोल घूम रहा है, गोल घूमने पर डिस्टेंस देखिए एक लाइन की तरह ही डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। आपको ये गोल दिख रहा होगा लेकिन जमीन पर जब आप इसको मार्क करेंगे तो आपको देखिए एक सीधी डिस्टेंस ही दिखेगी।
तो ये भी एक स्टेप की तरह हो गया। देखिए आपने एक स्टेप लिया, मान लीजिए एक स्टेप आपने यहां से यहां लिया, और जब पहिए ने जो कवर किया है एक कंप्लीट चक्कर, पहिए ने जो कंप्लीट चक्कर एक पूरा किया है वो भी यहां से यहां तक किया है। इट मींस एक स्टेप आपका एक कंप्लीट चक्कर हो गया, सर्कल का एक कंप्लीट चक्कर और आपका एक स्टेप बिल्कुल एक जैसे ही है। तो अगर मैं इसको सर्कल के हिसाब से देखूं, तो जैसे आपने इतने सारे स्टेप कवर किए, पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया, वैसे ही सर्कल का एक चक्कर, मान लीजिए अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो एक स्टेप और एक यहाँ का एक चक्कर एक जैसा ही ट्रीट कर रहा है। एक स्टेप इतना डिस्टेंस, एक चक्कर इतना डिस्टेंस, फिर दूसरा चक्कर इतना डिस्टेंस, तीसरा चक्कर इतना डिस्टेंस, ऐसा करते करते आपने चार पांच छह चक्कर मार लिए, सात चक्कर मार लिए, और कितने चक्कर मार लिए डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है आपको, 22 किलोमीटर। तो आपको यानी 22 किलोमीटर ही जाना है, कितने चक्कर में ये हमें नहीं पता। तो हमें, हम मान लेते हैं एक्स चक्कर हमने लगाने, एक्स रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 22 किलोमीटर। एक्स रिवॉल्यूशन में 22 किलोमीटर ट्रेवल करता है। अब जरा एक बात नोटिस कीजिए बच्चों, ये जो सर्कल है, ये इसकी, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये एरिया से रिलेटेड है या इसकी बाउंड्री से रिलेटेड है। देखिए आप, इसमें एरिया का इस्तेमाल हो रहा है कवर करने के लिए डिस्टेंस को, या इसकी बाउंड्री का इस्तेमाल हो रहा है। आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि बाउंड्री ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और बाउंड्री को क्या कहते हैं हम लोग, सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस का मतलब हो गया 2πr। तो यानी सर्कल का जो 2πr है, जो बाउंड्री है, उसको ही, ये जो 2πr है, ये ही असल में वो डिस्टेंस था जिसको हम रिवॉल्यूशन कह रहे थे। तो एक रिवॉल्यूशन का रिलेशन सीधा 2πr से है, एक रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2πr। तो कितने रिवॉल्यूशन हमें नहीं पता, तो हमने कहा सपोज लेट एक्स रिवॉल्यूशन ऑफ 2πr, यानी इस पूरे डिस्टेंस का, ये जो पूरा डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर रहा था ये 2πr का था। तो हमने बोला एक्स डिस्टेंस ऑफ 2πr या एक्स नंबर ऑफ 2πr इज इक्वल टू 22 किलोमीटर। अब वैल्यू रख लेते हम लोग, तो एक्स इंटू टू इंटू 22/7, और रेडियस कितना था हमारे पास 40 सेंटीमीटर, इसको भी बदल देते हैं हम लोग मीटर में, 40/100, और 22 किलोमीटर को भी बदल देते हैं हम लोग मीटर में, तो 22,000 मीटर ही आ जाएगा। 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स को यहाँ पर अकेला कर देते हैं, 22,000 × 7 × 100 अपॉन में ये आ जाएगा 2 × 22 × 40। ठीक है, अब कैंसिल कर लेते हैं, 22 से 1,000 टाइम्स ये जाएगा, 0 से 0 ये आ जाएगा 7,000, 1,000 × 10 यानी 10,000 × 7 यानी 70,000 अपॉन में 4 × 2 = 8, 8 × 8 = 64, रिमाइंडर बचेगा 6, 60 हो जाएगा, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, रिमाइंडर बचेगा 4, 8 × 5 = 40, 8 × 0 = 0, 8750 रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट करेगा इतने डिस्टेंस में। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है बच्चों। देखिए आपको पता है कि एक चक्कर जो होना है इसका, वो क्या होना है, एक 2πr के बराबर होना है। देखिए एक चक्कर जो पूरा आ रहा है वो 2πr के बराबर है, तो जो 22 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है आपने उसको 2πr से ही तो पूरा करना है। तो कितने 2πr हमें नहीं पता, हमने बोला लेट एक्स नंबर ऑफ 2πr इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो इतना ही ट्रेवल करना है। यानी एक स्टेप तो हमें पता था कि इतना होगा, कितने स्टेप लेने ये नहीं पता था, तो हमने बोला नंबर ऑफ स्टेप इतने इज इक्वल टू कवर, तो इतना ही करना है।
तो बस इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया आपका 8750 रिवॉल्यूशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अराउंड अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 21 मीटर, एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस है 21 मीटर, देयर इज अ सर्कुलर रोड यूनिफॉर्म विथ 7 मीटर आउटसाइड इट। इसके बाहर से एक रोड है, सर्कुलर रोड है, सेवन मीटर विड्थ की, 7 मीटर इसकी विड्थ है। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, आपको इस रोड का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एक तो जो इसको करने का एक फॉर्मूला है वो डायरेक्ट आप रखेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें भी आपको लगाना ही पड़ेगा। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, आपको जो एरिया फाइंड करना है वो कुछ रिंग शेप में है, देख रहे हैं आप, आपको एरिया केवल इसका फाइंड करना है, इस जगह का, आपको इस जगह का एरिया नहीं बताना है, नहीं चाहिए हमें इस जगह का एरिया। तो ये जो एरिया है बाहर वाला, यानी ये इस रिंग वाला, ये कैसे आएगा? हमें सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है, और जब हम सर्कल का एरिया लगाते हैं तो वो पूरे सर्कल का ही आता है। तो हम क्या करेंगे, दो बार एरिया निकालेंगे सर्कल का, एक बार तो बाहर वाले सर्कल का। तो जैसे ही मैं बाहर वाले सर्कल का एरिया निकालूंगा, देखिए जैसे ये इस वाले को बना लेते हैं, जैसे ही मैं बाहर वाले सर्कल का एरिया निकालूंगा वो तो सबको शामिल कर लेगा, पूरे इलाके को शामिल कर देगा, जबकि हमें केवल इसका चाहिए था एरिया। यानी आप ये समझ रहे हैं, हमें जैसे हमने बाहर वाले रेडियस से सर्कल का एरिया निकाला तो उसने सब कुछ शामिल कर लिया, यानी पूरा एरिया आ गया, जबकि हमें इसकी जरूरत नहीं थी। फिर हम अंदर वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे तो वो केवल इस वाले को शामिल करेगा, इस वाले को। हम क्या करेंगे, बाहर वाले एरिया से इस अंदर वाले को अगर हटा दें तो फिर क्या बचेगा हमारे पास, केवल यही वाला। तो यही कॉन्सेप्ट है इसमें कि आपको क्या करना है, पहले बाहर वाले सर्कल का एरिया निकालना है, फिर अंदर वाले का एरिया निकाल के उसको माइनस कर देना है, ये आ जाएगा। ओके, तो बाहर वाले का रेडियस पता होना चाहिए तभी हम एरिया निकालेंगे। तो रेडियस कितना होगा बाहर वाले का, देखिए बच्चों, क्वेश्चन में था कि इनर वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 21 मीटर है और रास्ते की चौड़ाई है 7 मीटर, 7 मीटर है। तो अगर मैं 21 और 7 को ऐड कर दूं तो ये बाहर वाले का रेडियस हो जाएगा। और एक बात हम मान के चलेंगे कि जो सर्कल होगा, ये जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है उसका सेंटर भी यही है और बाहर वाले सर्कल का सेंटर भी यही है, तो रेडियस कौन सा हो जाएगा, यहां से यहां तक इस वाले सेंटर से ही बना होगा ये सर्कल भी, तो यहां से यहां तक इसका रेडियस, और इसी सेंटर से ये सर्कल बना होगा तो उसका जो रेडियस होगा उसमें ये भी शामिल होगा, तो ये प्लस ये, तो हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, वो कितना हो जाएगा, 21 + 7 = 28 मीटर। ओके, और रेडियस ऑफ इनर सर्कल, ये हो जाएगा 21 मीटर। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रोड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो आउटर सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, बाहर वाले का रेडियस बड़ा है तो उसको मैंने कैपिटल आर लिया, और पाई आर स्क्वायर इनर वाले, पाई को बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई और आर, बड़े वाले का रेडियस था 28,
इसका स्क्वायर माइनस छोटे वाले का 21, ये इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाई का वैल्यू रूदेंगे हम लोग 22/7, 28 का स्क्वायर होता है 784, जो 64, 682 जो 16, 16 6 22, 16 टू टू जो 4 1 5, 487, 784, 784 माइनस 21 का होता है 441, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 4 -1 3, 8 -4 4, 7 -4 3, 343 कैंसिल हो जाएगा, 7 4 28, 6 carry 7 9 63, ये हो जाएगा 49 इंटू, इसको इधर लिख रहा हूँ मैं, 49 इंटू 22, तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं 49 को 50 -1 कह लेता हूँ और इंटू 22, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, 22 5 110, 10 और -22 1 22 माइनस कर देंगे, 10 -2 8, 9 -2 7 0, 1078 मीटर स्क्वायर, यह आ गया इसका एरिया 1078 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों हमारी एक्सरसाइज 20.4 कंप्लीट। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 20.5। थैंक यू।